हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए, सुबह का टाइम है, बर्फ़ पड़ चुकी थी ना, कि 5 तारीख का ये वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज 6 तारीख है जब आप लोगों के पास आएगा ये वीडियो। तो देखो, पाला इतना जमा था बर्फ़ के ऊपर, जब पाला पड़ता है तो मरने का ही चांस होते हैं, इतने फिसलते हैं पाड़े के ऊपर से। और बर्फ़ जो टिक चुकी थी आज रात को, और 5 तारीख को बहुत अच्छा जो मौसम था, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो जी, जय माता दी। और सुबह का जो हाल है ना, वो कुछ इस तरह का है। पर पता क्या हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना पाला पड़ा हुआ है, पर इतना खतरनाक पाला है ना कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी ईशा नहीं होता, जैसे उठता ही नहीं। ओ भाई, सामने पहाड़ियों के ऊपर कुछ ऐसा नजारा, और मुझे कौशट जाना है, पर जाऊं कैसे? खतरनाक ही मंजर है। खतरनाक वाला सीन है, बिल्कुल डर लग रहा है। मैं उतरूं कैसे? ओ भाई, इसके ऊपर पाला पड़ गया ना, फिर ये जम गई, टिक गई। रात को ना तो इतनी थोड़ी टिकती थी। जो जो आजा, तो चलो चलते हैं। जो जो ये हालात है सुबह सुबह भी, मतलब इतना इस सीमेंट के ऊपर तो ये देखो इतना जमता है ना, ऐसे टूट नहीं रहा था, ऐसे ऐसे मतलब बर्फ के ऊपर जब पाला जमता है ना तो ये हालात होते हैं। ये देखो, और ये छूना तो बस ये समझ लो आपकी बीमारी। जो 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 सारे अभी परे को पड़ा हुआ, बुरे हालात आयो गैया चिट्ठिया जी, सितारे सुमरज जाना, सितारे सुमरज जाना, गौशाला से सीधा आके हम चले गए थे गांव में। रंग रंगाई का प्रोग्राम था वहाँ पे, जैसे हमारे गांव में शादी है 9-10 की, तो एक शादी से पहले एक रस्म होती है 5-7 दिन पहले, तो वो थी आज यहाँ पे। तो यही हम यहाँ पे मंगल गीत गा रहे थे, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। डोरियाँ थी उसको रंगते हैं, थोड़ा कपड़ा होता है उसको रंगते हैं, मतलब रंग देते हैं लाल कलर, ठीक है। तो चलिए अभी घर चलते हैं, वो हम थोड़ी देर रुके थे। थाले तसला चाटो था, पान लगे, देखो ये जमा हुआ था बर्फ का टुकड़ा। चांद जो दिखा रहे फोटो खींच ना, थाले करो मुँह ऊपरे करो मुँह, बस छाड़ दो आठ। मेरे फोटो तो ये देखिए, हम लोग कहीं गए थे
और धूप आज बहुत अच्छी है क्योंकि आज 5 तारीख है, 5 फरवरी है, और बर्फ पहाड़ियों के ऊपर जो सामने अब गलने लगी है। थोड़ा सा ऊपर चल के मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं, वो देखो अभी ये बाड़ा देव महादेव, बाड़ेश्वर, बाड़ा देव की पहाड़ियां हैं, बाड़ी धार है मतलब। चलिए आपको मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे दिखाती हूँ। लोगों की मान्यताएं होती थी कि पुराने टाइम में, और होता भी था, सत्य होता था, लोगों की वाणी सच्ची होती थी, लोगों के मन सच्चे होते थे, श्रद्धा होती थी, तो जो बातें वो बोलते थे वो हो जाती थी, जो वो मानते थे। अब तो आप जो मर्जी कर लो, अब तो भगवान भी मना करते हैं कि तू रहने दे भाई, तेरे बस की नहीं है, क्योंकि मन में बहुत सारे झूठ लेके हम कोई भी प्रार्थना करते हैं वो कभी सफल नहीं होती। यहाँ की बात पे आते हैं, जो यहाँ पे ये आपको पत्थर दिख रहे हैं बहुत सारे, छोटा सा पेड़ है साथ में, तो इसकी यहाँ पे कैसी मान्यता है कि पुराने टाइम में पशु चराने जैसे लोग आते थे ना, तो उनके पशु जैसे गुम हो जाते थे, तो वो यहाँ पे एक पत्थर ऐसे उठा के ना, कि यहाँ पे देवता है बुदलू देवता, जिसका नाम था बुदलू देवता, वो पुराने बुजुर्गों की कहावत थी। अब यहाँ पे देवता कहाँ से आ जाने, लेकिन एक मान्यता वही है ना कि मानो तो मैं पत्थर में भगवान है, अगर ना मानो तो फिर सामने भी आ जाएंगे तब भी हम बोलेंगे नहीं तू भगवान नहीं है, मतलब श्रद्धा के ऊपर सारा डिपेंड है। तो यहाँ पे जो है वो थे, माना उन्होंने श्रद्धा, इस पेड़ के ऐसे एक पत्थर दिया, अब उनके पशु मिल जाते थे, वो क्या पता ऐसे मिलते थे, उनकी भावनाएं थी। तो आज के टाइम में से, उस टाइम से ये प्रथा चल रही है, अब भी हम भी आज ऐसे कोई भी यहाँ से जाता तो पत्थर नीचे से आता, सो नीचे तो उठा के ले अपने हाथ में ले लेता है, ये रास्ता ऊपर से आया, ऊपर से उठा के कोई भी अपने हाथ में ले लेता है पत्थर, और यहाँ पे फेंकता है और प्रणाम करता है, जय हो बुद्ध देवता। देखो मान्यता है लोगों की बस, लेकिन वो सत्य का टाइम था भाई, उस टाइम पॉसिबल हो सकता था ये चीजें, आज नहीं है, आज तो आदमी बहुत ज्यादा वो गए हैं। ठीक है, तो ये बुदलू देवता है, आप सबकी तरफ से भी यहाँ पे मैं नमस्कार करती हूँ। तो देखा आपने बुदलू देवता यहाँ पे, मतलब श्रद्धा है। आज हम भी जो बुजुर्ग करते आ रहे थे, सामने पहाड़ियां देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। तो अभी हम सारे गाँव की कहीं गई थी लेडीजे, सिर में बहुत दर्द है, पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता, ठंड की है कि आँख की वजह से। आज अच्छी धूप है और कल मुझे जाना है शादी को। ये देखो, ये है वो हुस्न पहाड़ों का जो बहुत सुंदर दिख रहा है सामने, और अब चला भी नहीं जाता पैदल, आदतें ही नहीं रही है, नहीं तो पहले नीचे से हम घास लाते थे, इतने ज्यादा ज्यादा उठा के बुढ़े हो रहे हैं हम दिन प्रतिदिन। ये हमारी जगह है, यहाँ से हम घास लेके जाते थे, यहाँ पे भी हमारी जगह है, ये सड़क के साथ लगती हुई ये सड़क है, ये देख सकते हैं आप जो हमारी सड़क आई ऊपर से, और वो ऊपर वहाँ ऊपर हमारा गांव है, और ये देखो कितना बड़ा पत्थर, आप जिसको मतलब ये चारों तरफ से खाली, अगर कभी गिरा ना है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन ये बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान जिसको बोलते हैं, और ये रेतली सॉरी रेतली चट्टान है, ये रेता होता है यहाँ पे, बालू जिसको बोलते हैं हम। और देखो पानी ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर आप इसके टॉप पे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखो इसके अंदर जो पानी है, शायद ये पानी ना जैसे बर्फ हुई, बारिश हुई, तो इन पत्थरों में अंदर चला जाता होगा, कहीं से कहाँ से जाता होगा, भगवान जाने। ऐसी ऐसी आकृतियां बनी हुई है, जैसे गणेश, सांप, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये बने हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पानी की बूंदे यहाँ से टपक रही है, ये देखो ये गिल्ला है सारा, बस वही श्रद्धा की बातें होती है। ये देखो बहुत बड़ी चट्टान है, ये बहुत बड़ी चट्टान बोलते हैं जिसको, और पानी देखो कहाँ से आ रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, और ये रोड चला गया मेरे घर को, नए घर के पास को, हमारे गांव से होते वो नीचे निकल गया, फिर ये जहाँ पे हम गए थे, तो यहाँ पे लोगों ने लगा के रखी थी अपनी रेते की जो खान है, रेता यहाँ से निकालते थे। हमारे इस धार में ना मैक्सिमम रेता ही रेता है, रेता ही पत्थर है, आप जहाँ भी नजर दोगे, खानोगे, कहीं पे खुदाई करोगे तो रेता ही निकलेगा, मिट्टी बहुत कम है यहाँ पे, इसीलिए ये हमारी धार जो पक्की है, इसमें मतलब जमीन नहीं खिसकती ना ऐसा कुछ, कोई भी ऐसा हादसा नहीं होता जमीन से रिलेटेड, बाकी तो चलो। तो देखो इस प्रकार की ठंड है हमारे जमी हुई, ये देखो ये तोड़ना बड़ा अच्छा लगता है ना। तो देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद शाम का जैसा टाइम था 3-4 बजे का, तो हमारे बंजारा आया था गांव में, तो हरी पीली नीली चूड़ियाँ लेके आया था, तो मेरे हाथों में चूड़ियाँ नहीं थी पर मैं पहने रही थी, एक्चुअली सर्दियों में मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा सोजिश आ जाती है,
और लेकिन फिर सोचा कि पहन लेती हूँ, बहुत दिनों के गांव में शादी भी आई है। अच्छा, दूसरी दुकान की चूड़ियाँ जो होती है ना, वो हमें तो यही ज़्यादा पहननी होती है, तो फिर मैंने और भी लिया था एक दो सामान जो मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे हाथ पूरा कट गया था, मतलब ये देखो खून निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथों से खून निकल रहा है, इतना सोजिश होती है हाथ में, और मेरे हाथों में चूड़ियाँ नहीं आती सर्दियों में। अच्छा, अगर वो थोड़ी खुली जैसी पहने तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उनको पहनने का, ठीक है। तो ये देखो मैं वीडियो भी बना रही थी साथ साथ में, ये भैया हैं बंजारे भैया, शादी के 18 साल हो गए, यही मेरे को चूड़ियाँ पहनाते हैं, और तो कोई बंदा पहना ही नहीं सकता माइका लाल मेरे हाथ में चूड़ियाँ, इतनी ज़्यादा सोजश। इसको बहुत आइडिया है चूड़ियाँ पहनाने का, बहुत अच्छे तरीके से पहनाता है। मैं सोई थी, देखो मैं चादर के ऊपर सोई थी, मेरे मुँह पर ना ये देखो ये लाइनें जैसी दिख रही है ना आपको, तो ये उसकी है। तो ये देखिए, फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दिया था, थोड़ी सी मैंने चीज़ें ली थी आके, नेल पेंट लिया था और बिंदी का पत्ता लिया था, और एक दर्जन पहनी थी मैंने, दो दर्जन टूट गई थी, दो दर्जन यहाँ पे टूट चुकी थी, आप आइडिया लगा सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे, और वही है ना कि पहनने हमें कांच की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, ऐसा बोलते हैं कि पहननी चाहिए सुहागनी को। और इस बार काफ़ी महंगी चूड़ी लेके आया था भाई, 120 रुपये दर्जन लेके आया था, बोल रहा था डब्बे की मांग है, पता नहीं है डब्बे की थी किस चीज़ की थी, लेकिन अच्छी मांग, अच्छी हल्की चूड़ी थी, अच्छी वाली चूड़ी थी, पर भी बहुत दर्द हो रहा था मेरे हाथ में। और कितने पैसे बने थे भाई के, 230 रुपये कुछ ऐसे बना था, दो दर्जन भी नहीं पहन पाई मैं, डेढ़ दर्जन दोनों हाथों में 10-10 चूड़ियाँ पहनी थी, 8 और 10। और ये वाली भी थी पर ये कच्ची थी, फिर ये हरी थी, और जो मैंने पहनी ये मुझे बहुत सुंदर लगी, ये देखो ये बहुत सुंदर लग रही थी, और हाथों में भाई खून ही खून निकल रहा था, और कितनी टूट गई है ना पूछो मत, अरे सारा खून से आप दिख रहा है, हाथ में खून ही खून दिख रहा था। और अभी मैं आपको लेके चलूंगी बस, फिर हम उसके बाद जो है शाम का टाइम हो जाता है, 5 फरवरी को बहुत अच्छी धूप थी, बहुत अच्छी। तो ये वो डब्बे हैं चूड़ियों के जिसमें हमने चूड़ियाँ पहनी थी, और जो टूटी थी मैं इनको बाद में इकट्ठा कर लूँगी सारी चूड़ियों को, और फिर इनको फेंक देंगे हम कहीं पे। तो ये देखो बुझका उठा के जाते बेचारे सुबह से लेके शाम तक, तो इनको भी जो है इनका भी कुछ बनना चाहिए ना। फिर उसके बाद देखो ये मैंने यहाँ पे बिंदी ली है मैंने यहाँ पे, और ये नेल पेंट लिया था, तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि कौन जैसा लूँ, तो बस ऐसे अच्छा था वैसे, शाइनिंग वाला नेल पेंट था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पे लिया था। एक ये बिंदी ली मैंने लंबे वाली, काफ़ी दिन हो गए मैंने लंबे वाली बिंदी नहीं लगाई, मैं लगाती थी पहले और अब नहीं लगाई थी, बहुत दिन हो गए थे। ये देखो ये नेल पेंट लिया फिर मैंने, और ये वाला मैरून कलर का लिया था मैंने, और ये बिंदी ली थी, ये देखो। तो बाकी इनका रख दिया था हमने यहाँ पे सामान, और मेरे हाथ इतने इतने सूज गए थे, और ऊपर से सिर में सुबह से दर्द लगी थी, इतनी प्रॉब्लम थी भाई। तो चलो ये देखिए, अभी मैं बिंदी दिखा रही हूँ आपको और नेल पेंट दिखा रही हूँ, चूड़ियाँ काफ़ी सामान हो गया भाई, शादी की शॉपिंग घर में ही होगी। भैया आ जाते हैं जब भी घर जब भी शादी वगैरह होती है तो आ जाते हैं भाई चूड़ियाँ पहनाने सबको। और ये सारी चूड़ियाँ यहाँ पे टूट रखी थी, तो इनको मैंने इकट्ठा करा, फिर मैंने इनको एक बक्से में भर के, ताकि कहीं किसी के पाँव में ना लग जाए, कांच होता है तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो सारा मैंने इनको एक एक मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आपको दिखेगा नीचे, सारा भर के फिर मैंने इसको फेंक दिया था नाली में, मतलब जहाँ पे आदमियों का आना जाना ना हो। और ये देखो इतने छोटे छोटे कण थे, मेरे को भी लग गए थे हाथों में, इतनी सारी चूड़ियाँ टूटती है मेरे को चूड़ियाँ पहनाते हुए। और इनको पकड़ा दूँगी इनके पास, मैं खुद इसको, आप इनको पकड़ो, मैंने इसको फेंक के आती हूँ उधर, कहाँ एक एक कण बोल रहे हैं, और पार ना कहीं शादी की वो धाम मची है। अब हम इसको ऐसी जगह पे फेंकेंगे जहाँ पे मतलब कितना अच्छा से, तो ये देखो यहाँ पे हनी ना मेरा वो सिर में मालिश कर रहा था, सिर में बहुत दर्द है, ये सिल गर्मा कर रहे जाना ठगे जैसे को सब जाना से डाल ले, ले थोड़ा तेल लगा पे लिए क्या होना
सिर में इतनी दर्द हो रही है ना बहुत ज्यादा। तेल लगा पुता थोड़ा जा, ऐसे मजकड़े से ना थोड़ी दर्द ऐसे तमिल जैसे आराम होता है दर्द का। ये ले तेल गान थोड़ा जा, पैग ना आना मां ये नहीं ला, एक एक बूंद आया करो, ये नहीं लाना ना। देखो तो क्या कर रहा है, देखो तो क्या कर रहा है, ऐसे नहीं कर भाई, हाथ बांध ला। ए बे अपने हाथ मजकना, फिर मजक इने पेड़ पर तो जाना गांव के देवे रोटी के बनाने का की जाना का पैग लाना दे का पूरा सुखा। ऐसे तो दर्द वैसे भी ये खत्म कर देगा, इधर जोर से मेरा मुंड की हिला रहा है ना। हनी के पापा जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, प्लीज थैंक यू। और मेरा चश्मा भी लेके आना तेने, कांगी कर चाह पी लो नहीं पापा, तेरे जाओ बड़ा टाइम है आजकल कानों में वैसे खारिश खारिश।